तो ये है पपोटन, और पपोटन के बाहर की ये है पत्ती, और इसको इसके अंदर निकलते हैं ये वाले बीज। तो यही जो है खट्टे मीठे होते हैं, और फिर ये गिर जाते हैं। तो जो पके पके हैं वो नीचे गिर गए होंगे। और ये पक जाएंगे, खाते रहेंगे इन्हें, जब आएंगे जब भी हम खा लिया करेंगे। पपोटन कितना सुंदर पेड़ है इसका। ये पपोटन का लुक, और ये है इसकी पत्तियाँ। और इस पर बहुत सारे पपोटन लगे हुए हैं, देखो कितने सारे लगे हुए हैं, बहुत सारे। मम्मी तुमने कर ली, हम तो पपोटन में लग गए। और मेरी जो झोली है उसमें है काफ़ी सारी फली, तो इन्हें मैं पलट देती हूँ बाल्टी में, फिर इन्हें ले जाएंगे घर। और ये बिखर भी गई, एक इधर गिरी है और एक गिरी है हमारी इधर। तो इतनी तो ये रही हमारी सेम, और कुछ रखी हुई है कट्टे पर। तो सब्जी तो हमारी बन ही जाएगी आराम से एकदम, आलू और सेम की। लो बाल्टी पको, उधर मैंने देख ली, वैसे तुम देख लो एक बार, है ना उधर ना। चैपा लग रहा हूँ, इस पर कीड़ा लग रहा है। अगर इस पर स्प्रे हो जाए ना एक, तो ये बिना स्प्रे करी हुई है अभी तो, और अगर स्प्रे हो जाएगी ना एक, तो इतनी फली लगेंगी इस पर बहुत ज़्यादा कि हम तोड़ते तोड़ते परेशान हो जाएंगे। और इसकी बेल की जड़ नज़र नहीं आ रही कि कहाँ पे पानी लगाएं। तो ये सूख भी गई है, वो तो रात को ओस पड़ती है तो उससे ये हरी भरी हो जाती है ओस की वजह से, वरना गर्मियाँ होती तो सारी की सारी बेकार हो जाती है अब तक तो ये।